साथियों, हम सभी के लिए भगवान बिरसा एक व्यक्ति नहीं, एक परंपरा है। वो उस जीवन दर्शन का प्रतिरूप है जो सदियों से भारत की आत्मा का हिस्सा रहा है। हम उन्हें यूं ही धरती आबा नहीं कहते। जिस समय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ मानवता की आवाज बन रहे थे, लगभग उसी समय भारत में बिरसा मुंडा गुलामी के खिलाफ एक लड़ाई का अध्याय लिख चुके थे। धरती आबा बहुत लंबे समय तक इस धरती पर नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने जीवन के छोटे से कालखंड में देश के लिए एक पूरा इतिहास लिख दिया, भारत की पीढ़ियों को दिशा दे दी। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश इतिहास के ऐसे ही अनगिनत पृष्ठों को फिर से पुनर्जीवित कर रहा है, जिन्हें बीते दशकों में भुला दिया गया था। इस देश की आजादी में ऐसे कितने ही सेनानियों का त्याग और बलिदान शामिल है, जिन्हें वो पहचान नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। हम अपने स्वाधीनता संग्राम के उस दौर को अगर देखें तो शायद ही ऐसा कोई कालखंड हो जब देश के अलग अलग हिस्सों में कोई न कोई आदिवासी क्रांति नहीं चल रही हो। भगवान बिरसा के नेतृत्व में मुंडा आंदोलन हो या फिर संथाल संग्राम और खासी संग्राम हो, पूर्वोत्तर में अहोम संग्राम हो या छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल संग्राम और फील संग्राम हो, भारत के आदिवासी बेटे बेटियों ने अंग्रेजी सत्ता को हर कालखंड में चुनौती दी। साथियों, हम झारखंड और पूरे आदिवासी क्षेत्र के इतिहास को ही देखें तो बाबा तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोला, सिद्धो कानू और चांद भैरव भाइयों ने भोगनाडीह से सांथाल संग्राम का बिगुल फूका था, तेलंगा खड़िया शेख भिखारी और गणपत राय जैसे सेनानी, उमराव सिंह टिकैत, विश्वनाथ सहदेव, नीलांबर पीतांबर जैसे वीर, नारायण सिंह, उत्राव राव, जादौन नाना, रानी घाड़िल्यो और राजमोहिनी देवी जैसे नायक नायिकाएं, ऐसे कितने ही स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। इन महान आत्माओं के इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इनकी गौरव गाथाएं, इनका इतिहास हमारे भारत को नया भारत बनाने की ऊर्जा देगा। इसलिए देश ने अपने युवाओं से, इतिहासकारों से, इन विभूतियों से जुड़े आजादी के इतिहास को फिर एक बार लिखने का आह्वान किया है, नौजवानों को आगे आने के लिए आग्रह किया है। आजादी के अमृत काल में इसे लेकर लेखन अभियान चलाया जा रहा है। मैं झारखंड के युवाओं से, विशेषकर आदिवासी नौजवानों से भी अनुरोध करूंगा, आप धरती से जुड़े हैं, आप न केवल इस मिट्टी के इतिहास को पढ़ते हैं बल्कि
देखते सुनते और इसे जीते भी आए हैं। इसलिए देश के इस संकल्प की जिम्मेदारी आप भी अपने हाथों में लीजिए। आप स्वाधीनता संग्राम से जुड़े इतिहास पर शोध कर सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, आदिवासी कला संस्कृति को देश के जन जन तक पहुंचाने के लिए नए इनोवेटिव तरीके के भी खोज कर सकते हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी प्राचीन विरासत को, अपने इतिहास को नई चेतना दें।